नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको फार्म ट्रैक 50 का डीजल का एवरेज निकाल कर दिखाएंगे और इसका एवरेज जो निकालेंगे 1500 RPM पर खाली खड़े हुए ट्रैक्टर का। इस पर कोई लोड नहीं होगा, खाली खड़े ट्रैक्टर को ये देखेंगे कि ये 1500 RPM पे कितना डीजल लेगा 6 मिनट चला करके देखेंगे और उसको फिर गुणा 10 करके उसका ये निकल जाएगा कि कितना एवरेज एक घंटे में ये देगा, कितने ml डीजल ये 6 मिनट में लेगा और एक घंटे में क्या इसका एवरेज निकल कर आएगा, ये आपको दिखाएंगे। अभी ये बंद है, आपको दिखा दें सेटअप इसका। ये देखो, ये पाइप है, ये पैमाना लगा दिया है इसमें, ये देख सकते हो आप, ये पाइप जा रहा है मिट्टी को, यहाँ पर इसको सप्लाई दी है फीड पंप में, आप देख सकते हो। और जो इसका वापसी का जो तेल है, जो डीजल पंप का यहाँ से आता है, इसमें टैंकी में जो वापस जाता है, ये देख लो आप, टैंकी में यहाँ से वापस जाता है ये पंप का जो ओवर तेल रहता है डीजल वो भी, और जो आप देख सकते हो तीनों नोजिलों का भी जो फालतू तेल रहता है वो वापसी इस पाइप के माध्यम से टैंकी में जाता है। यहाँ पर ये वापसी का पाइप लगा दिया है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ऊपर इस पैमाने में लगा दिया है और इस पैमाने में जो डीजल किया है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर 600 ml है और इसमें छोटा जो निशान है, इनके बीच में जो छोटे वाला निशान है, ये 20 ml का एक निशान होता है। और आपको गिनकर दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ 700 ml हो गया, 720 और 740, इसमें 740 ml डीजल है अभी। और इसको 1500 की RPM पर चलाएंगे 6 सेकंड, और 6 सेकंड चलाकर देखते हैं कि ये एक घंटे में क्या एवरेज देगा, इससे ये निकल कर आएगा गुणा 10 करके। चलो स्टार्ट करना इसको, और ये देखो आप देख सकते हैं करीब 1500 स्पीड पर कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप 1500 RPM पर है, ये थोड़ा सा पीछे है 1500 RPM, और इसको 6 मिनट चलाएंगे इसको। ये देख लो आप, अब इसको 40 सेकंड हुए हैं और 6 मिनट चलाकर देखते हैं ये कितना डीजल लेगा। चलाकर देखा मैं कितना डीजल लेगा, उससे पता चल जाएगा कि एक घंटे में ट्रैक्टर कितना डीजल लेगा। फोर्ड फार्म ट्रैक 50, ये फोर्ड 3600 ही है, ये 96 मॉडल है। जब ये फोर्ड बंद हो गए थे 1995 के आसपास, तो 96 में ये फार्म ट्रैक के नाम से आया था, फार्म ट्रैक 50। इसमें सब कुछ वही है, कलर और नाम चेंज है इसका, कलर थोड़ा डार्क कर दिया था इसका, जो आजकल फार्म ट्रैक पर भी आ रहा है।
अपना ट्रैक्टर ये फोर 3600 ही है। अभी 3 मिनट होने वाले हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट और चलेगा। देखते हैं 6 मिनट में कितना डीजल देगा और उसको फिर गुणा 10 कर देंगे तो उसका ये निकल के आएगा कि 1 घंटे में कितना डीजल इसने लिया। आरपीएम आपको दिखाएं इसके, ये देख सकते हो आप 1500 आरपीएम है इसके। इसको 6 मिनट पर बंद कर देंगे ट्रैक्टर को। जब मैं सारा करवा जब मत जब मैं करवा जब चल करिए बिना करिए रुक जा नहीं जल्द कर दो छः मिनट 6 सेकंड हो गए इसको और इसका आपको डीजल दिखाते हैं। 6 मिनट 6 सेकंड हो गए इसको और इसमें जो डीजल बचा है अभी वह देखते हैं गिन करके, इसमें 740 ml तेल था जब ये स्टार्ट करने से पहले दिखा था आपको, और अब जो डीजल इसमें बचा है वह 460 ml बचा है, ये आप देख सकते हो 460 ml डीजल बचा है इसमें, और इसने 6 मिनट में 1500 rpm पर जो डीजल लिया है वह देखते हैं गिन करके, 740 ml था और अभी इसमें 460 ml है तो इसने डीजल लिया 280 ml। ये आप देख सकते हैं सेटअप, वापस की नली है ये और ये है जो इसमें डीजल की सप्लाई दी गई है, ये देख लो आप।
टैंकी से, इसी से ही आ रही है पैमाने और से। जो डीजल लिया है इसने वो लिया है 6 मिनट में 280 ml और 1 घंटे में ये आएगा 2 लीटर 800 ml। और इस ट्रैक्टर का ओवरहाल हुआ है, इंजन का भी और पंप का भी, और इसको 8 घंटे सर्विस करने के बाद, चलाने के बाद इसका ये डीजल एवरेज निकाला है। फार्म ट्रैक 50, वही फोर्ड 3600 भी कह सकते हो इसको, और ये है 1996 मॉडल। बस यही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।